वेलकम स्टूडेंट, फॉरएवर क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। हम आज आईटीआई के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको अदिश व्युत्पन्न राशियां या फिर मूल राशियों के विषय में बताया, जिसमें एक मात्रक से दूसरे मात्रक चेंज करने के लिए भी बताया। आज उसका हम अनुप्रयोग बताएंगे, किस तरह से उसका प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है, हमने इसके पहले आपको बताया था मिली सेंटी डेसीमीटर, इसी जगह लीटर, ग्राम, सेकेंड, डेका, हेक्टो, किलो। हमने उस दिन इसके विषय में बताया था, लेकिन आज इसका किस तरह से प्रयोग करते हैं उस विषय में बताएंगे आपको। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है 75 मिलीमीटर, यानी mm का मतलब मिलीमीटर को 75 मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो 75 मिलीमीटर को किलो में बदलने क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग 75 लिखिएगा। 75 लिखने के बाद फिर देखिएगा यहाँ से ध्यान से कि मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, यानी छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलना है। तो छोटी राशि यहाँ पे है, बड़ी राशि यहाँ पे है। तो ध्यान से देखिएगा कितने नीचे आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या करेंगे, 1/1 के आगे 6 जीरो का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक इस तरह से। फिर उसके बाद अब 1 के आगे 6 जीरो का इसमें जब डिवाइड करेंगे बाबू, तो क्या होगा, पहले तो नीचे जितना जीरो होगा उसको आप काउंट कर लीजिएगा, फिर ऊपर भाग देने पे, यदि कहीं नीचे जितना जीरो है ऊपर की तरफ हम भाग दे रहे हैं, तो जितना जीरो की संख्या होती है उतने ही अंक पे हम लोग दशमलव लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे संख्या 6 है, तो 6 अंक पे हमें दशमलव लगाना है। तो सबसे पहले ऊपर की ही संख्या लिख दीजिए, सेम टू सेम। अब दशमलव लगाना है आपको 6 अंक पे, इसके लिए क्या करिएगा, 1, 2, 3 जीरो बढ़ाते जाइएगा, नहीं अंक होगा तो 4, 5, 6, फिर दशमलव लगा दीजिएगा, आगे जीरो लगा दीजिएगा, हो जाएगा ये आपका चेंज किमी, यानी किलोमीटर, यानी 75 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर, 0.04075 किलोमीटर। इसी तरह मान लीजिए कोई बड़ी राशि है छोटी राशि में बदलना है, जैसे दे दिया 725 डेकाग्राम को सेंटीग्राम में बदलना है, ओके बाबू, सेंटीग्राम में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो ये संख्या लिख लीजिएगा 725, यहीं पे कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। अब देखिएगा यहाँ कि डेकाग्राम को किस में बदलना है, सेंटीग्राम में, तो आपका यहाँ पे डेका है, सेंटीग्राम ऊपर है, सब जगह ग्राम हो गया, तो डेकाग्राम से कितना ऊपर गए, 1, 2, 3। तो इसमें क्या करेंगे, 1 के आगे 3 जीरो का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी गुणा कर दीजिएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा आपका 725 के आगे 3 जीरो, और यहाँ पे ग्राम के डेकाग्राम की जगह लिख दीजिएगा सेंटीग्राम, यानी कि 725 डेकाग्राम में कितना ग्राम, 725 के आगे 3 जीरो, ठीक इतना डेकाग्राम होगा। इसी तरह से नेक्स्ट बता रहे हैं आपको, 75 मान लीजिए 75 नहीं 7.5 हो गया, ग्राम को बदलना है किग्रा में, किसमें बदलना है, किग्रा में बदलना है। तो सबसे पहले यह संख्या लिख लीजिएगा 7.5, यहीं पे कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। अब ग्राम को किग्रा में चेंज करने के लिए, यानी क्या है, ग्राम हमारी जो छोटी राशि है और किलोग्राम क्या है, बड़ी राशि है, जब छोटी से बड़ी में जाएंगे तो 1/1 के आगे कितना जीरो लिखेंगे, 1, 2, 3, 1000 हो गया। अब इसमें डिवाइड किया जाएगा बाबू, तो आएगा यहाँ पे 3 जीरो, तो यानी 3 अंक पे हम दशमलव लगाएंगे ऊपर वाली संख्या लिख के, लेकिन पहले से ऑलरेडी 1 अंक पे लगा हुआ है दशमलव, तो 3, 1, 4 अंक टोटल हो जाएगा 75 लिख लीजिएगा, 4 अंक पे दशमलव लगा लीजिएगा, गिन के 1, 2, 3, 4 ही पे दशमलव लगा दीजिएगा, ये हो गया आपका किग्रा, यानी 7.5 ग्राम में कितना किलोग्राम, 0.0075 किलोग्राम। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं, इसके अतिरिक्त है ये सब मात्रक याद करने के अलावा आप लोग और एक जैसे मापन की और छोटी इकाई होती है, मिली हो गया, मिली से भी छोटा इकाई होता है, जैसे माइक्रान, इसको नोट कर लीजिएगा, 1 माइक्रान बराबर
इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, 1 माइक्रॉन बराबर 10^-6 मीटर, यानी माइक्रॉन हमारी छोटी राशि और मीटर क्या है बड़ी राशि, इसलिए क्या है 10^-6 मीटर। इसी का जस्ट उल्टा यदि आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर में कितना माइक्रॉन, तो हो जाएगा 10^-6 माइक्रॉन, यानी 1 मीटर में कितना माइक्रॉन, 10^-6। सेम टू सेम नैनोमीटर की बात करते हैं, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में कितना मिलीमीटर, कितना मीटर, तो एक नैनो जो नैनोमीटर होता है ये आपकी छोटी राशि, इसको चेंज करना है बड़ी राशि में, तो इसका भी होता है 10^-9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, 10^-9। 1 पीको में कितना मीटर होगा, बस 3 का आप पहाड़ा पढ़ते जाइएगा, बस माइनस, देखिए 3 का पहाड़ा 3 माइनस, और सॉरी 1 इसके ऊपर होता है 1 मिली मीटर बराबर 10^-3 मीटर, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे -3, -6, -9, इसी तरह -12 मीटर। फिर 1 फर्मी में कितना मीटर होगा, तो 1 फर्मी में भी 10^-15 मीटर। और सेम टू सेम यदि इसी का उल्टा, यानी आपको मीटर को इसमें चेंज करना होगा, तो सब पावर जो माइनस में उसको प्लस में कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। इसका अनुप्रयोग आपको हम बता रहे हैं, मान लीजिए दिया है कोई अणु है, एक अणु जिसका त्रिज्या, जिसका त्रिज्या दिया है 4 मिलीग्राम है, 4 मिलीमीटर है, मान लीजिए कितना है, एक अणु की त्रिज्या 4 मिलीमीटर है, इसको आपको बदलना है माइक्रॉन में, चेंज करना है माइक्रॉन में, इसी की त्रिज्या बताना है। तो त्रिज्या कितना दिया है, r बराबर लिखिएगा 4 मिलीमीटर। अब आप प्लानिंग करेंगे इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, ध्यान से देखेंगे कि मिलीमीटर को हम पहले मीटर में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद कुछ करेंगे। अब मिलीमीटर देखिए ये क्या है, आपकी छोटी राशि है, बड़ी राशि में चेंज करेंगे तो 1/1000 का क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 4 लिख लीजिएगा बाबू, फिर 3 अंक देख लीजिए, 0 नीचे है, 1, 2, 3, 3 अंक पे दशमलव, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ये आपका हो गया मीटर। यानी कि आर का मान किस में चेंज हो गया, मीटर में, R बराबर आ गया 0.004 मीटर। अब क्या करेंगे, अब फार्मूला यहाँ पे 1 मीटर बराबर 10^6 माइक्रॉन प्लस में होगा, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 0.004×10^6, यहाँ पे चेंज हो जाएगा माइक्रॉन में। अब जब इसका गुणा करेंगे, यानी 10^6 का मतलब होता है कि 1 के आगे 6 जीरो, जिसमें से दशमलव क्या है पहले से ऑलरेडी 3 अंक पे लगा है, तो इसमें के 3 जीरो इस 3 अंक के दशमलव को गायब कर देगा, यानी आ जाएगा 4। अब और 3 इसमें बचा, यानी 10^6 का मतलब 6 जीरो हुआ, 3 जीरो इसके, तो इसको दशमलव को गायब किया, आ गया 4×10^3, यहाँ पे माइक्रॉन, या इसी को लिख सकते हैं बाबू 4 के आगे 3, 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो 3 जीरो आ जाएगा, यानी 4000 माइक्रॉन। ठीक, तो यानी 1 अणु की त्रिज्या 4 मिलीमीटर, उसे माइक्रॉन में बदलने के लिए इस तरह से आपको विधि का प्रयोग करना है। सभी फार्मूले आपको याद होना चाहिए, कुछ फार्मूले नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे सब आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके अलावा एक और आप याद कर लीजिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम, ये से सिंबल है उसका, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर। किसी चीज को जैसे चेंज करना है, मान लीजिए कोई अणु है, अणु की त्रिज्या दे दिया है 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक, इसे मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 4 वहीं लिखिएगा सेम टू सेम, यहां पे कल्पना देखिएगा ध्यान से, ये 4×10, यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना है 10^-10 मीटर, बस ये हो गया आपका चेंज मीटर में। इसके अलावा आपको हम तापमान को किस तरह से चेंज करना है उसका एक फार्मूला बताते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, आज उसके विषय में थोड़ा बहुत बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। जैसे एक फार्मूला है, किसी भी टेम्परेचर को सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को रूबियम में, इस तरह से आप टेम्परेचर जो 4 प्रकार के टेम्परेचर होते हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और रूबियम, सबको चेंज करने के लिए इक्वेशन है C/5 F-32/9 = R/4 = K-273/5।
इस तरह से फार्मूला है, इतने इक्वेशन आप ध्यान से मन में रख लीजिएगा, रट जाइएगा एकदम एक तरह से। किसी भी डिग्री, जैसे हमको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो इस फार्मूले और इसको लेंगे, यदि फारेनहाइट को रूबिया में चेंज करना है तो इन दोनों इक्वेशन को लेंगे, यानी दो इसमें एक साथ लेना है। जैसे बोल दिया जाए कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करना है केल्विन में, को केल्विन केल्विन में बदले, इस स्थिति में क्या करेंगे? सबसे पहले आप यही इक्वेशन उठाइएगा, सी बटे के 5 बराबर के माइनस 273 बटे के 5, नीचे बाबू 5 कैंसिल कर दीजिएगा, ये आ जाएगा सी बराबर के माइनस 273, ये 273 इस साइड आएगा, इस साइड माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से के बराबर हो जाएगा सी प्लस 273। यानी किसी भी ताप का यदि हम केल्विन में चेंज करेंगे तो सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हो गया सी का मान दिया है 45 प्लस 273, जोड़ दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8, 7 4 11 के 1 2 1 3, यानी आ गया 318 केल्विन, 318 केल्विन। बाकी का आपको इसका प्रयोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आज के लिए इतना ही।